बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक छोटा सा बच्चा रहता था। पॉज। इस गांव में एक रहस्यमय जादुई पेड़ था जिसे सभी लोग देखना चाहते थे। पॉज। पेड़ पर बड़े बड़े फूल थे जो चमकते रहते थे, लेकिन यह पेड़ अद्भुत ताकत से भरा हुआ था। पॉज। बच्चे का नाम आरव था रोज उस पेड़ के पास जाता और सोचता कि कब उसे छू सकेगा। पॉज। एक दिन गांव का महाराजा भी इस पेड़ के बारे में सुनकर आया। पॉज। वह चाहता था कि उसे इस पेड़ का रहस्य मिले ताकि वह अपने राज्य को और भी सुंदर बना सके। पॉज। आरव की ख्वाहिश बढ़ती चली गई और उसने महाराजा से अनुमति मांगी कि वह पेड़ को छूने के लिए जा सकता है। पॉज। महाराजा ने मान लिया, लेकिन एक शर्त रखी, अगर आरव पेड़ को छूता है तो उसे उस पेड़ की एक पूर्णा मिलेगी जिसमें बहुत बड़ी शक्ति होगी। पॉज। आरव ने स्वीकार किया और फिर उसने पेड़ की ओर बढ़ा। पॉज। पहले बूंद में ही उसकी हाथों में कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। पॉज। वह धीरे धीरे पेड़ के पास पहुंचा और फिर देखा पूरे पेड़ में एक जादुई आलोक छाया हुआ था। पॉज। के लिए इसे सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। पॉज। वह महाराजा के सामने गया और बताया कि उसने गांव की खुशी के लिए प्रार्थना की है। पॉज। महाराजा ने आरव की बड़ी प्रशंसा की और उसे एक और मौका दिया जिसमें वह गांव के सभी लोगों को एक और इच्छा पूर्णा करने की अनुमति प्राप्त कर सकता था। पॉज। इस बार आरव ने अपनी इच्छा सोचते हुए विचार किया और उसने फिर से एक जादुई पूर्णा प्राप्त किया। पॉज। गांव में एक नया चमत्कार हुआ, सभी लोग अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकते थे। पॉज। लेकिन आरव ने सबको सिखाया कि इच्छाओं का सही तरीके से उपयोग करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। पॉज। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम अपनी इच्छाओं को सही तरीके से निर्देशित करते हैं तो हम और भी बड़ी चीजें हासिल कर सकते हैं। पॉज। और यह दिखाता है कि जब हम दूसरों की खुशियों के लिए काम करते हैं तो हमारी खुशी भी दुगुनी होती है।